नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे आप सभी को लिंक दिया गया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया कि कोरोना के चलते पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, सभी चाहते हैं कि इस कोरोना से छुटकारा मिले जिससे कि हम अपनी आम जिंदगी के अंदर वापस आएं। लेकिन ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर खुशखबरी है, राहत की खबर है। और इसी के साथ आप सभी वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि कोविड-19 की महामारी में लगातार आप सभी को सूचना देने का जो कार्य है वो किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सीएम योगी की जो रणनीति है वो रंग लाई है। यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं ऐसा उनका कहना है, लेकिन अगर ये रणनीति पंचायती चुनाव से पहले बनाई गई होती तो इतने मामले और भी कम देखने के लिए मिलते, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। उसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की अगर बात करें, 22,547 नए केस सामने आए हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 28,000 से ज़्यादा है। वहीं योगी सरकार अगर बात करें 18 जिलों की जगह पर अब 23 जिलों में आप को देखने के लिए मिलेगा टीकाकरण। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें WHO की, अगर बात करें उनके माध्यम से, देश के नीति आयोग ने भी और साथ में WHO ने भी कोविड प्रबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मॉडल को जमकर तारीफ की, और साथ में आयोग ने यूपी के इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। नीति आयोग की अगर बात करें, एक ट्वीट के अनुसार देखें तो कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, होम आइसोलेट करने के लिए चलाए गए TTT, अगर बात करें टेस्ट और साथ में ट्रीट के महाअभियान की यहाँ पर कहने की जो तारीफ है वो की है, जिसके अंदर बताया गया कि सीएम योगी की इस रणनीति का जो नतीजा वो देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो केसेस की संख्या है वो कम हो गई है। लेकिन ऐसा मेरा भी मानना है कि अगर पंचायती चुनाव नहीं होते तो यहाँ पर और भी कम केसेस देखने के लिए मिलते। अब आपको मैं दिखाई देता हूँ पंचायती चुनाव की वजह से बढ़े संक्रमण को लेकर, साथ में अगर बात करें यूपी में बढ़ रहे लॉकडाउन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन आप सभी को पहले शनिवार रविवार को देखने के लिए मिला, उसके बाद में सोमवार तक लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब ऐसे में 17 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का जो फैसला है वो सरकार ने लिया था, लेकिन अब ऐसे में जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से आप सभी को बढ़ता हुआ दिखाई देगा लॉकडाउन, जो कि 24 मई तक आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। एक तरफ सीएम योगी की जो तारीफ की जा रही है, तो दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि गांव में बढ़ता हुआ दिखाई देगा संक्रमण, और यही कहने की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब ऐसे में लोग वहाँ पर इतने अवेयर भी नहीं है, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जब पंचायती चुनाव करवाए गए थे तभी संक्रमण की यहाँ पर जो तेजी है वो देखने के लिए मिली थी। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की लॉकडाउन की अगर बात करें 24 मई तक बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में जल्दी आप सभी को जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेगा। बता दें कि अभी जारी लॉकडाउन 17 मई तक सुबह 7 बजे तक प्रभावी है, उसको लेकर जल्दी जो फैसला है वो सरकार के माध्यम से लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में संक्रमित की संख्या कम हुई है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ गया है, लेकिन गाँव में फैले संक्रमण को लेकर सरकार की चिंता कहीं ना कहीं सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि लखनऊ के अंदर सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बैठक होने वाली है, जो कि सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, साथ में स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल होंगे, जो कि शाम 5 बजे से, मतलब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और अगर बाद में देख रहे हैं तो मीटिंग हो चुकी होगी, इंतजार करिएगा, जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में कोविड की मैनेजमेंट के साथ ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर ये बैठक होगी, और इसी में जो फैसला है वो लिया जाएगा। संभावनाएँ ऐसी हैं कि 24 मई तक जो लॉकडाउन है वो लगाया जा सकता है। बाकी आप सभी को जो भी अपडेट दी जाएगी सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें TGT-PGT 2021 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर दो छात्र कहने की, मतलब कि दो गुटों के अंदर छात्र बढ़ चुके हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि आवेदन की तारीख बढ़ा दी जाए, अब रीजन जो भी हो वो तो एक अलग चीज़ है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का ऐसा भी कहना है कि हमारे माध्यम से जो आवेदन है वो लिए जा चुके हैं, मतलब किए जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें TGT-PGT 2021 को लेकर चयन बोर्ड के फैसले के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि TGT-PGT रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आज आखिरी दिन है,
जिन्होंने आज आवेदन कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आगे उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज शिक्षक भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए शनिवार अंतिम दिन है। इसके बाद में जो तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी 20 मई तक आवेदन कर सकेंगे। चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन करने की म्याद 4 बार बढ़ा चुका है, वजह NIC का सर्वर रहा है। लेकिन अब ऐसे में TGT PGT को लेकर फिलहाल में जो समस्या देखने के लिए मिली थी, जो चयन बोर्ड के माध्यम से सर्वर की थी, उसको ठीक करवा दिया गया। काफ़ी छात्रों ने आवेदन भी कर लिया, लेकिन अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आप सभी की 4 बार जो म्याद बढ़ाई गई थी, अब वो दोबारा बढ़ाई जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको लेकर छात्रों ने कुछ मुलाकात करने का भी प्रयास किया है चयन बोर्ड जाकर, जहाँ पर जानने का प्रयास किया गया है क्या तारीखें बढ़ाई जाएंगी। तो इसको लेकर अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीदें ज़्यादा हैं कि अब जो तारीख है वो ना बढ़े। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से यहाँ पर जो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि तारीखों के अंदर बदलाव हो। अगर कोई जानकारी होगी तो देर रात तक आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार भी 11 बजे के आसपास आप सभी के सामने नोटिफिकेशन जारी किया गया था तारीख बढ़ाने के लिए। लेकिन जब दिन में मुलाकात छात्रों के साथ में हुई तो उनका कहना था कि तारीख नहीं बढ़ेगी। आज भी छात्र पहुँचे हुए हैं, अगर कोई अपडेट निकलती है मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन मान करके चलें कि इस बार जो तारीख है वो नहीं बढ़ेगी किसी कीमत पर, लेकिन फिर भी अगर तारीख बढ़ा दी जाती है तो सरकार या फिर अध्यक्ष चाहते होंगे कि इस भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना करके ही रखा जाए, जैसे कि पहले आपको देखने के लिए मिली है। तो ये तो बात होगी TGT PGT को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के बारे में, थर्ड चयन सूची के लिए यहाँ पर लगातार छात्रों के माध्यम से तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से कहा गया था कि आचार संहिता हट जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, कोरोना संक्रमण कम होगा, तो यहाँ पर जल्दी आप सभी को जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसा मैंने ऐसा छात्रों के माध्यम से कहा जा रहा है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे तीसरी चयन सूची के लिए अभ्यर्थियों ने लिखा CM को पत्र। जैसा कि आप सभी के सामने के प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती की 2 चरणों में काउंसलिंग के बाद में लगभग 7,000 से अधिक जो पद हैं वो खाली रह गए थे, जिसके लिए बहुत ही जल्द कम पॉइंट वाले छात्रों के लिए अभ्यर्थियों के लिए बचे हुए पदों पर थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर योगी सरकार को यहाँ पर जो पत्र वो भेजा गया है। शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई थी। उनका कहना था कि रिक्त पदों पर सरकार तीसरी चयन सूची जल्द जारी करेगी। मंत्री जी के आश्वासन के बाद पंचायती चुनाव की आचार संहिता लागू होगी। उसके बाद में आप सभी को बताया प्रक्रिया थोड़ी सी रुक गई, लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को बताया कि प्रदेश में कोरोना के जो प्रभाव है वो भी कम हो गया है, और साथ में आप सभी को बताया कि यहाँ पर जो आचार संहिता है वो भी हट गई है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि जल्दी से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थर्ड चयन सूची के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जाए और थर्ड चयन सूची जारी करके काउंसलिंग करवा ली जाए। उसी को लेकर CM योगी को जो पत्ते वो भेजा गया है, अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे थे। तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ये जो कार्य किया गया उन सभी के माध्यम से, जैसा कि आप सभी देखें, जल्द जारी करने की जो मांग पत्र यहाँ पे भाजपा जिला अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अग्रिम कार्यवाही का जो आश्वासन है वो जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। मतलब ये है कि CM योगी के माध्यम से यहाँ पे जो आदेश है वो दिया गया है कि जल्दी जो आगे की कार्यवाही वो देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन स्तर पर जो कार्य वो लगातार जारी है, लेकिन जो कार्य कहने की बेसिक और साथ में बेसिक शिक्षा परिषद या फिर BSA के बीच में देखने के लिए मिल रहा है, उम्मीद है जल्दी आपका जो इंतजार है वो समाप्त होगा। ये होगी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।